आरटीसी मुलाजिमीन पर केसीआर ने की इनामात की बारिश, हड़ताल की मुद्दत की उजरतें अदा करने और रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे का ऐलान। हर साल आरटीसी को 1,000 करोड़ रुपए देने चीफ मिनिस्टर का फैसला, किसी भी मुलाजिम को बरतरफ न करने का तयक्कुन। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, गुरबा को मयारी इलाज की फराहमी के लिए आयुष्मान भारत स्कीम पर की जा रही है अमलावरी। तेलंगाना में मरकजी स्कीमों पर अमलावरी न होना अफसोसनाक। गुज़श्ता महीने जीएसटी से होने वाली आमदनी में इजाफा, मुल्क भर में जीएसटी की वसूली 1,00,000 करोड़ से तजावुज। आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफी और अब तफसील। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में आरटीसी के मुलाजिमीन के साथ मुलाकात की। अब से कुछ देर कबल यह इजलास अख्तिताम को पहुंचा। चीफ मिनिस्टर ने तयकुन दिया कि एक भी आरटीसी मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आरटीसी के एक रूट पर भी प्राइवेट बस को परमिट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा साल से रियासती बजट में आरटीसी के लिए 1,000 करोड़ रुपये फराहम किए जाएंगे। केसीआर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आरटीसी 4 महीनों में नफा बख्श बन जानी चाहिए और हर साल इसका नफा 1,000 करोड़ रुपये होना चाहिए। उन्होंने ये ख्वाहिश भी जाहिर की कि हर आरटीसी मुलाजिम को 1,00,000 रुपये बोनस हासिल हो। उन्होंने ऐलान किया कि सितंबर की तनख्वाह कल अदा की जाएगी, जबकि हड़ताल की मुद्दत की तनख्वाह एक मुश्त दी जाएगी। केसीआर ने आरटीसी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने का ऐलान किया। रियासत में आरटीसी बसों के किरायों की नई शरह मुकर्रर कर दी गई है। आरटीसी ने आज ऐलान किया कि पल्ले वेलुगु के अलावा हैदराबाद सिटी बसों में अखल तरीन किराया 10 रुपये होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने नई शरहों को मंजूरी दे दी है। आरटीसी के अहदेदार किरायों की दीगर तफसीलात तय करने में मसरूफ हैं। नए चार्जेस कल या मंगल से अमल में आएंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बस किरायों में इजाफे की मुखालिफत करेगी। कल रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे मुनज्जम किए जाएंगे। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के पंजागुट्टा में प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम के तहत जेनरिक अद्वियात के स्टोर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामुन्नास को मयारी तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की है। उन्होंने कहा कि जन औषधि सेंटर्स के जरिए कम दामों पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन सेंटर्स में 90% अद्वियात दस्तियाब हैं। యావత్ ప్రపంచంలో కూడా వైద్యం అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పనిగా మారింది. మారుతున్నటువంటి జీవన విధానంలో ఈరోజు ప్రతి వ్యక్తి కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో మన దేశంలో ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి పేద ప్రజలు ఉద్యోగస్తులు కార్మికులు అత్యధికంగా ఉంటారు. వాళ్లకు ఈ సమస్యను మరి అధిగమించాలంటే చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు. అనేక మంది ఆస్తులను బంగారం నమ్ముకొని వైద్యం చేయించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మన దేశంలో ఉంది. ఈ విషయాన్ని గమనించే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము बीएसएफ का 55वां यौम तासीस आज दिल्ली में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। 1965 में आज ही के दिन बीएसएफ का क़याम अमल में आया था। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों ने परेड मुनक्कद की। मुमलिकत वजीर दाखिला नीतानंद रॉय ने सलामी ली। इस मौके पर मरकजी वजीर ने मुल्क के लिए बीएसएफ जवानों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। बीएसएफ के यौम तासीस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर जवानों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मुल्क के तहफ्फुज़ और आफात समावी के मौके पर बीएसएफ जवानों की खिदमात की सताइश की। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को असेंबली में अपोजिशन का लीडर नामजद किया गया है। नवमंतखब स्पीकर नाना पटोले ने आज ऐलान किया। इस ऐलान के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने फडणवीस को मुबारकबाद दी। इससे कबल कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पटोले को बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने असेंबली में कहा कि वह काफी खुशकिस्मत हैं, क्योंकि माजी में उन्होंने जिनकी मुखालिफत की वह आज इनके साथ हैं। जो इस वक्त हमारे दोस्त थे आज अपोजिशन में हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी भी हिंदुत्व की पॉलिसी पर बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में उन्होंने हुकूमत को कभी धोखा नहीं दिया। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने एड्स से पाक समाज के लिए रजाकार तंजीमों और नौजवानों के रोल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस मोहल्लिक मर्ज पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत आवाम में बेदारी पैदा करने कई इकदाम कर रही हैं। दुनिया भर में आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। एड्स के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड एड्स डे का मौजू है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एड्स के मरीजों की तादाद 21,40,000 है। एड्स की रोकथाम के लिए मरकजी हुकूमत के ज़ेर-ए-एहतमाम नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रूबा ला रही है। तेलंगाना में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। मरीजों की अक्सरियत 15 से 45 साल के दरमियान है। 10 साल कबल 40 साल से ज्यादा की उम्र के अफराद HIV पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब 15 से 28 साल के नौजवान भी मुतासिर पाए जा रहे हैं। प्याज की बढ़ती हुई कीमत को काबू में करने के लिए मरकजी हुकूमत इकदाम कर रही है। मुल्क में प्याज की सरबराही में इजाफे के लिए सरकारी शोबे के इदारे MMTC ने तुर्की से 11,000 टन प्याज बरामद करने का फैसला किया है। इस इदारे ने मिस्र से भी 6,090 टन प्याज बरामद करने के लिए ऑर्डर दिया है। इस दौरान प्याज की कीमत से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की क्यादत में एक वजारती टीम तश्कील दी गई है। नवंबर के महीने में GST से होने वाली आमदनी में इजाफा हुआ है। GST की मजमूई आमदनी 1,00,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। पिछले एक साल के मुकाबले में इसमें 6% का इजाफा दर्ज किया गया। अक्टूबर में GST की वसूली 95,380 करोड़ रुपए थी। नवंबर 2018 में यह रकम 97,637 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। इस साल नवंबर में 1,03,492 करोड़ रुपए GST वसूल किया गया। इसमें 19,592 करोड़ CGST, 27,144 करोड़ SGST और 49,028 करोड़ रुपये IGST शामिल हैं। सेस की शक्ल में 7,727 करोड़ रुपये वसूल किए गए। भारत ने पहली मरतबा न्यूक्लियर सलाहियत वाले तवील फासले के बैलिस्टिक अग्नि 3 का रात के वक्त तजुर्बा किया। इस मिसाइल को हफ्ते की रात उड़ीसा के साहिल पर अबुल कलाम आइलैंड से दागा गया। वजारत दिफा के जराये ने बताया कि फौज के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने भद्रक में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च पैड 4 से इस मिसाइल को फायर किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बताया कि अग्नि 3 मुल्क के न्यूक्लियर असलाह का अहम तरीन हथियार है। इस मिसाइल को जून 2011 में फौज में शामिल किया गया था। यह मिसाइल 3,000 किलोमीटर से लेकर 5,000 किलोमीटर तक के फासले तक वार कर सकता है। यह मिसाइल 1.5 टन वजनी रिवायती और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। हैदराबाद के दफ्तर मौसमियात ने बताया कि तमिलनाडु और श्रीलंका के दरमियान के इलाके पर हवा का कम दबाव बन गया है। इसके जरिए असर सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आएगी। आज और कल तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। रियासत में मगरबी इलाके से हवाएं चल रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद में भी बाज मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश हो सकती है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। RTC मुलाजमीन पर KCR ने की इनामात की बारिश। हड़ताल की मुद्दत की उजरतें अदा करने और रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे का ऐलान। हर साल RTC को 1,000 करोड़ रुपए देने चीफ मिनिस्टर का फैसला। किसी भी मुलाजिम को बरतरफ न करने का तयक्कुन। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा गुरबा को मयारी इलाज की फराहमी के लिए आयुष्मान भारत स्कीम पर की जा रही है अमलावरी। तेलंगाना में मरकजी स्कीमों पर अमलावरी न होना अफसोसनाक। गुज़िश्ता महीने GST से होने वाली आमदनी में इजाफा। मुल्क भर में GST की वसूली 1,00,000 करोड़ से तजावुज़।